नारी को चाहिए पति का सेवा करें, क्योंकि पतिव्रता धर्म से बढ़कर एक नारी के लिए कोई दूसरा धर्म नहीं। और भारत की माताएं पतिव्रता धर्म का बड़े ही अच्छे से पालन करती। जब भी माताएं व्रत करें तो अपने पति के लिए ही करती हैं। आपके झारखंड में आप लोग छठ पूजा करते हैं, है ना? बहुत दिन तक आप व्रत रखते हैं, लेकिन उसमें मैया से आप क्या मांगते हैं? पति के लिए लंबी उम्र का वरदान मांगते हैं। हमारे पति स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, लंबी उम्र हो, इस प्रकार माताएं व्रत करती हैं और अपने पतिव्रता धर्म का खूब अच्छे से पालन करती हैं। अब यहाँ पर पतियों को भी चाहिए, अगर आपकी पत्नी आपका सेवा करती है तो पति का भी परम कर्तव्य होता है कि पत्नी का ख्याल रखे। अगर आपकी पत्नी बीमार है तो उसका सेवा करो। जब पति बीमार रहे तो पत्नी सेवा करती है, वो हर प्रकार से जितना हो सकता सेवा करती है ताकि पति जल्दी ठीक हो जाए। और वही भाव पति के अंदर भी होना चाहिए। अगर आपकी पत्नी बीमार है तो आप भी सेवा करो। जब दोनों तरफ से सेवा होता है, दोनों तरफ से प्यार होता है, प्रेम होता है, तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। जीवन की गाड़ी को अगर आगे ले जाना चाहते हो तो पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना पड़ता है, एक दूसरे का सपोर्ट करो, तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाओ। प्यार से बोलो, जोड़ से बोलो। साथ देने का मतलब बीमारी में बस सेवा करना नहीं है। अगर आपकी पत्नी पढ़ना चाहती है, जीवन में कुछ पाना चाहती है, तो उसमें भी आप सपोर्ट करो। अगर आपके पति पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पत्नी सपोर्ट करे। एक दूसरे को सफल बनाने के लिए दोनों मेहनत करें। अगर दोनों मिलकर के मेहनत करोगे तो एक न एक दिन जरूर सक्सेस हो जाओगे। जोड़ से बोल दीजिए ना। अरे मस्ती में बोलो ना, और जोड़ से बोलो ना। तो आज भगवान ने खूब उपदेश दिया, आपको अपने घर जाना चाहिए। और भगवान ने पतिव्रत धर्म के बारे में बताया। गोपियां कहती है, जब आप संसार के मालिक, जगत के मालिक, सबके पति, असली पति हमारे सामने खड़े हैं, तो हम संसार वाले नकली पति के पास में क्यों जाएं? देखो बात बिल्कुल सत्य है, दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं सब नकली तो हैं। आप कहोगे हम कैसे नकली हो गए? देखो जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हम असली दिखते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, लेकिन जिस दिन श्वास निकल जाए, प्राण निकल जाए, उस दिन हम मुर्दा कहलाएंगे। जिस प्रकार एक खिलौने के भीतर जब तक बैटरी हो तो खिलौना भी बोलता है, चलता है, है ना? अगर बैटरी निकाल दिया जाए तो वो फिर एक जगह पड़ा रहता है, फिर उसका कोई महत्व नहीं। उसी प्रकार हम भी भगवान द्वारा निर्मित खिलौने ही तो हैं। असली तो केवल परमात्मा है, संसार के पति, असली पति तो केवल भगवान है। प्यार से बोल दीजिए।